मान लो ऐसा होता कि बाबू तुम्हारी लाइफ में नहीं होता और काशी तुम्हें लाइक करता है, तो इस बात पे तुम्हारा क्या टेक होता? आई डोंट नो, लेकिन ईशा ये सब बेकार की बातें हैं यार. What matters is that तुम उसे पसंद करती हो, that's all. और अब ये सब छोड़ो, जल्दी से हमें बताओ उसे आई लव यू कैसे बोलोगी, प्रपोज कैसे करोगी? पता नहीं क्या बातें चल रही तुम दोनों में भाई. नानी हम तो बस ऐसे ही गप्पे मार रहे थे. गप्पे मार रहे थे, हमने सुन लिया आई लव यू है. किससे कहना है और किसे? नानी मैं आपको बताती हूँ, आप आइए बैठिए, मैं आपको बताती हूँ सब हम क्या बातें कर रहे थे. बताओ. अरे नानी आप सब कुछ गलत समझ रही हैं. मैं और पूर्वी तो एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे थे. इसके ऑफिस में ना एक नया प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होने वाला है, उसके टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, है ना पूर्वी? हाँ आंटी जी, आपको पता है हमारे रेडियो स्टेशन में हमारी दोस्त है ना, वो एक प्रोग्राम शुरू कर रही है. आपको पता है उसका नाम क्या है? प्यार का इजहार. हाँ रानी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और आपको पता है एक प्रॉब्लम भी है उसमें, जो लड़की है ना उसे उस लड़के को प्रपोज करना है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे प्रपोज करे. नहीं कर सकती है. क्यों? क्यों नहीं कर सकते? ऐसा है ना कि लड़कियों को ना नाच नखरे दिखाना चाहिए हैं? अगर वो लड़के को चाहती भी है ना तो भी हट से ऐसे नहीं बोल देना चाहिए. लड़का समझेगा कि लड़की कितनी बदतमीज है, मुंह से कुछ ना बोले, महसूस करो, इंतजार करो, खुद ही बोलेगा अपने मुंह से. भाई लड़कियों की भी तो इज्जत होती है कि नहीं? आंटी जी ऐसे नहीं होता है. अरे अगर देर हो गई और लड़का किसी और के चक्कर में फंस गया फिर? एग्जैक्टली. नानी अगर इमरजेंसी हो तो और कहना जरूरी हो तो क्या करना चाहिए? लड़के को रिझाओ, शर्माए लजाए. लेकिन हम फिर बता रहे, मुंह से बिल्कुल लड़की को नहीं बोलना कुछ, लड़का सब बोलेगा. ओ नानी अब समझ में आ रहा है कि आपने नानू को ना कैसे रिझाया होगा उनका आई लव यू सुनने के लिए. ना नानी ईशा, नाना नानी के बारे में ऐसे बात करते हैं? हमारे जमाने में ऐसे होता भी नहीं था. दीदी आपने भी डरा दिया सच में. कुसुम जी बड़े हंसी के फवारे छूट रहे थे. अपने नातिनों से ऐसी क्या बात कर रही थी तुम? कुछ नहीं. कुछ नहीं मतलब? ओफो आप नहीं समझेंगे प्यार की बातें. कैसी बातें? प्यार, प्रेम, प्रीत. तुम बच्चियों से ये सब बातें कर रही थी? ओ राम वो बच्चियां नहीं रही, बड़ी हो गई है. पूछ रही थी प्रेम वेम की बातें. पूछ रहे थे आपकी हमारी प्रेम कहानी कैसी थी बताओ. कसम बड़ी अजीब हो तुम तो. मतलब वो पूछ रही थी तो पूछ रही थी, अकल नहीं है उनको, लेकिन तुम भी उनके साथ ये सब बात. कुछ तो अपनी डिग्निटी का डिस्टेंस रखो. और आजकल के बच्चों को तुम जानती हो कितने मुंह फट होते हैं. हम तो कभी अपने बड़ों से इस तरह के सवाल नहीं कर पाए, सोच भी नहीं सकते. कुसुम हम तुम्हें बताई दे रहे हैं, इस तरह की बातों में बिल्कुल उन्हें बढ़ावा मत दो. अरे ये कोई उम्र है इस तरह की बातों की? पढ़े लिखे, अपना फ्यूचर बनाए, अपने करियर के बारे में सोचे.
बेकार की बातों में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं? बेकार की बात है पंडित जी, प्रेम की बातें बेकार की होती है। तो इसका मतलब यह है कि आप प्रेम के बारे में कुछ नहीं समझते। प्रेम क्या होता है एक स्त्री के लिए वही जानती है, क्या मायने होते हैं उसके लिए। प्रेम से उसका जीवन पूर्ण हो जाता है पंडित जी, प्रेम के एक स्पर्श से ही ना उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया हमें पंडित जी? आज ना हम बच्चों के साथ बैठे थे तो हमें लग रहा है कि हमारा स्त्री मन ना जग गया है, बहुत सालों से सोया पड़ा था। पर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, हम ना थपक थपक के उसे सुला देंगे, सालों की आदत है। मूरा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? सोच रहे हैं कि तुम्हारे साथ रहते रहते 50 साल हो गए, इस बीच में माँ बेटी बहू पत्नी और फिर पूर्वी, कितने सारी स्त्रियों को देख लिया, लेकिन आज भी स्त्री एक पहेली ही बनी हुई है हमारे लिए। कुछ भी तो नहीं जानते हम। शायद ये नियति है पंडित जी की, स्त्री और पुरुष एक दूसरे को ठीक से भांप नहीं पाते। बरसों एक छत के नीचे रहते हैं, सालों साल, लेकिन अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस करते हैं। कुसुम, क्या तुम भी हमारे साथ रहते हुए ऐसा ही खालीपन महसूस करती हो? क्या हम वैसे ही थे जैसा तुमने चाहा था, या कोई कमी रह गई हमें? बताओ कुसुम, क्या हम तुम्हारे लिए एक अच्छे जीवन साथी बन पाए? क्यों नहीं बन पाए? अच्छे जीवन साथी तो बने पंडित जी, एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता तो अच्छे दोस्त भी हो गए, हम और क्या चाहेंगे? अरे वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कुसुम, तुम्हें क्या चाहिए था जो नहीं मिला? पीछे पड़ गए पंडित जी, हैं? सो जाइए, नींद नहीं आ रही आपको? तुम्हारी इस अधूरे जवाब की बात तो नींद वैसे ही नहीं आएगी कुसुम। बताओ ना, तुम्हें क्या चाहिए था जो नहीं मिला?
एक प्रेमी पंडित जी। जब हम ब्याह करके आए थे ना, हम छोटे से थे, हर दुल्हन की तरह हम भी ना पति के पीछे छुपाए एक प्रेमी ढूंढ रहे थे, जो हमें नहीं मिला। तुमने कभी मांगा भी तो नहीं ना? उराम, लालच नहीं खिलाता। वैसे भी हमारे जमाने में हमें कहा गया था कि जो है जैसा है संतोष कर लो, और हमें तो आप में उम्मीद से ज्यादा ही मिला। हम न पट गवार थे, आप इंजीनियर, हमको सब अच्छा मिला, सब बढ़िया मिला। हम आपके साथ बहुत खुश है पंडित जी, सही में। ऐसा क्यों देख रहे हैं? आपको पता है आपकी लाडली ईशा, आपकी नातिन बड़ी हो गई है, प्रेम वेम की बातें कर रही थी। बताइए, हमको ऐसा लग रहा है ना कि उसके मन में कुछ चल रहा है, तभी तो बहाने से हमें इतना सब कुछ पूछ रही थी। इसी बात का तो डर है, कहीं वो भी अपनी मां की तरह अपना दिल न तोड़वा ले, क्योंकि वैसी ही जिद्दी, वैसी ही अड़ियल और वैसी ही बेवकूफ है। आराम से, आराम से। अरे वैसे क्या है ईशा दीदी, आप काहे तकलीफ कर रही हैं? हम रख लेंगे ना। बद्री, एक बात पूछू तुमसे। हाँ? काशी 26-27 साल का तो हो गया होगा ना, इसकी लाइफ में कोई है, कोई गर्लफ्रेंड या मतलब किसी में इंटरेस्टेड हो? वो ईशा दीदी, हाँ मतलब एक लड़की तो है जिसे हमारे काशी भैया बहुत पसंद करते हैं ऐसे। अच्छा, कौन है? बनारस की है क्या? नहीं, बनारस की नहीं है, दूसरे शहर से आई है। पर कहा है ना कि हमारे काशी भैया है ना, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आई लव यू बोलने की। पर क्यों? वो कहा है ना कि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत सुंदर भी हैं, और काशी भैया के काफी नजदीक भी हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं उनकी वो, इसलिए। तुम ठहरे दिल्ली की तेज लड़की, हम बनारस के निपट गवार, हम मुकाबला थोड़ी ना करेंगे तुमसे। वो तो है। तो ठीक है ईशा दीदी। हाँ? फिर हम चलते हैं। हाँ? हाँ। चलिए। लेकिन सुनो ना बद्री, तुम काशी को एक बात बोल देना कि उसके मन में जो भी बात है ना, वो बिना हिचकिचाट के ना उस लड़की को बोल दे, वो मान जाएगी। हाँ पक्का ना? हाँ पक्का, सच्ची मुच्ची। ठीक है, हम चलते हैं अब। हम इधर बैठ जाते हैं। चलिए चलिए ईशा दीदी, बाय बाय। अरे ये बॉटल बद्री। अम्मा का दुलार, ये पंडितायन के हाथ का बना हुआ अचार है ना? जी अंकल। दो चार बोतल हमारी दुकान पर भी रखवा दो, आते जाते ग्राहक देखेंगे तो शायद ऑर्डर कर दें। पर अंकल नानू नहीं मानेंगे। हम जानते हैं, वो हमसे बहुत नाराज हैं, गलती हुई है हमसे, मगर हम डर गए थे, हमको लगा था कहीं उनके साथ साथ हमारा भी हुक्का पानी बंद कर दें, हम उनसे माफी मांग लेंगे, हो सकता है छोटा समझकर हमको माफ कर दें। लो बिटिया, हम चलते हैं। राधेश्याम अंकल, अंकल आपकी शॉप पे चाय के साथ मछली भी मिलती है ना? जी बेटा। तो आपसे आप ना मछली के साथ ही अचार भी दीजिएगा, लोगों को अच्छा लगेगा ना, तो ऑर्डर करने के लिए कहिएगा। जरूर। ये सारे रख लीजिए। चलते।
कुसुम, आज से ये सब काम हम किया करेंगे। ये हल्दी मिर्ची फैलाने का, सुखाने का सारा काम। क्यों राम, आप क्यों करेंगे? इतने सालों से तो हम ही करते आए हैं। आप जो है योग साधना कीजिए, ये हम पे छोड़ दीजिए। जिद मत करो, देखो इतने सालों से तुम करती आई हो, इसीलिए तो देखो अपने हाथों को, देखो कैसे रूखे रूखे हो गए मसालों को हाथ लगाते लगाते। तुम बल्कि क्या करो, तुम अंदर जाकर एकदम मलाई वलाई लगाओ ताकि रूखापन कम हो जाएगा। अच्छा कुसुम, जाओ ना, हम कह रहे हैं, सुनी नहीं रही तुम। हमने कहा तुम अंदर जाओ और तुम आके यहाँ पानी डालने लगी पौधों को, हम कर लेंगे ना, बोल रहे जाओ तुम। आप इतनी देर से क्या कर रहे थे पंडित जी? क्या कर रहे हैं? जैसे हमें दिखा नहीं, चुपके चुपके हमें देख रहे थे। क्या बात है, आप हमसे सारा काम छीनना चाह रहे हैं? क्यों क्यों क्यों, ये तो हम पूछ रहे, क्यों छीनना चाह रहे? आपने वहां हमें मसाला सुखाने नहीं दिया, यहाँ पौधे में आप पानी नहीं डालने दे रहे, क्या क्या साबित करना चाहते? हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम कुछ साबित नहीं करना चाह रहे, हमारी बात, हम बिल्कुल कोई बात नहीं सुनेंगे आप। हमें पता है पंडित जी, हम बुढ़ा गए, अब हमसे काम नहीं होता, घुटनों में दर्द होता, हमें पता है हम बेतरतीब हैं, हम निपट गवार हैं, लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, आप तो हमें बख्श दीजिए। पहले से इतना तंग कर रखा है, सठिया गए हैं, हर काम में हमारा मीन मेक निकालेंगे। हमने कहा कोई मीन मेक निकाला कुसुम, हम तो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? हम तो ये सब तुम्हें खुश करने के लिए कर रहे थे। हमें खुश करने के लिए? हाँ, वो तुम कह रही थी ना कि हम। क्या कह रहे थे? तुम कह रही थी कि हम अच्छे पति तो बन गए मगर अच्छे वो नहीं बन पाए। अच्छे प्रेमी? हाँ। क्यों रही हो? ये सब आप अच्छे अच्छे प्रेमी बनने के लिए कर रहे थे। हंसने की क्या बात है कुछ? नहीं नहीं नहीं, हम हंस रहे, बिल्कुल नहीं हंस रहे पंडित जी। ऐसा है, अब रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, आप जैसे हैं ना वैसे ही आप हमें अच्छे लगते हैं। अब जरा हटिए तो, हम जा रहे क्रीम लगाने, जाने दीजिए पंडित जी, भूल जाइए। एक तो पहले हमें उल्टी सीधी बातों में फंसा लिया, रात भर सोचते रहे, नींद नहीं आई हमको, और अब कहते हैं जाने दीजिए, हटाइए। इन औरतों की बात कुछ समझ में नहीं आती हमें। अंकल जी चाय। हाँ, मेरी चाहिए चाय भाई। अरे अंकल जी, ये क्या बात हुई? गुस्सा किसी और का और निकाल हमारी बेचारी सी चाय पे रहे। बाय द वे अंकल जी, हमने सब सुन लिया, हमें नहीं पता था आप भी इतने रोमांटिक हैं। कोई रोमांटिक वेंटी नहीं है हम, ये सब तो तुम्हारी आंटी जी का फितूर है, उनके दिमाग का फितूर। हम तो बस उन्हें खुश करने के लिए कर रहे थे, हमें लगा कि उनकी कोई
इच्छा अधूरी न रह जाए। हमारे रूखेपन की वजह से कहीं जीवन में उनके साथ अन्याय ना हो जाए। अन्याय अंकल जी? Oh, you're so cute, both of you. लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना, हम आपकी हेल्प करेंगे। हमें नहीं चाहिए कोई हेल्पर। आप ऑकवर्ड क्यों हो रहे हैं? हम दोस्त हैं ना आपके, दोस्ती में कुछ नहीं छिपता, हमें सब पता है। वो सब छोड़िए, ये लीजिए आप, चाय पीजिए चाय। नहीं चाहिए बट एकदम आपके वाले टेस्ट की है, ढेर सारा दूध और जरा सी चाय पत्ती, पीजिए।